नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं माता काली शमशान काली की कृपा से आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जय सतगुरु श्री माली जी की जय। जय सतगुरु श्री नाथी राम वाल्मीकि की जय। जय मरी, जय मशाणी, जय शमशान काली, जय शमशान काली। मैं भगत नरेश कुमार पांचाल अपने चैनल महाकाली में आप सभी भाइयों का फिर से स्वागत करता हूँ। मैं माता काली शमशान काली से यही प्रार्थना करूंगा कि वो आपके ऊपर अपनी कृपा हमेशा बना के रखे, आपका परिवार सदा खुश रहे, सदा आबाद रहे, सदा हंसता खेलता रहे और आपके बच्चे खूब पढ़ाई खूब तरक्की करें और आप हर बीमारी हर रोग से आपकी रक्षा करें। माता काली, मैं यही माता काली से प्रार्थना करता हूँ। मैं भगत नरेश कुमार पंचाल आज आप सब भाइयों के लिए माता श्याम गौर की स्वारी अपने शरीर पर बुलाने का सावर मंत्र लेकर आया हूँ। शायद YouTube पे अब तक आपको किसी ने नहीं दिया होगा। मैं पहली बार आपके लिए माता श्याम गौर की स्वारी अपने शरीर पर बुलाने का एक सावर मंत्र लेकर आया हूँ। इस मंत्र को आप बिना गुरु के ना करें, गुरु की इजाज़त से करें, गुरु के आशीर्वाद से करें, गुरु के साथ रहकर करें। साधना कोई भी करे पर बिना गुरु के ना करे। कुछ मूर्ख चेले ऐसे हैं, कुछ ऐसे शिष्य हैं जो बिना गुरु के ही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको नुकसान के सिवा और कुछ नहीं मिलता। नुकसान भी उठाना पड़ता है और मेहनत भी करते हैं और सफलता भी हासिल नहीं होती। इसलिए भाइयों, साधना कोई भी करे, गुरु बनाकर करे, गुरु का आशीर्वाद लेकर करे और गुरु के साथ रहकर करे, ठीक है दोस्तों? और हाँ, इस मंत्र को बताने से पहले मैं आप लोगों से एक हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि अगर आप भाइयों को हमारा ये चैनल अच्छा लगे, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबा दें ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई जानकारी लेकर आता रहूं और नई नई साधनाएं डालता रहूं, ठीक है दोस्तों? अब मैं आपको माता श्याम कौर की स्वारी का मंत्र बताने जा रहा हूँ। ओम गुरु जी को आदेश, जाग जाग री मोहनी, श्याम कौर तू जाग, मेरी जगाई जाग, मेरे गुरु की जगाई जाग, सुनहरे तेरे केश लाल बाणा, डाके बंगाल से चलकर आई माता श्याम कौर मोहनी, और चले गदिले धारा जोगन का भेष, इस्माइल जोगी की बांधी बंधन, माता श्याम कौर अपने भक्तों पर दी सवारी, आई रे आई माता श्याम कौर मोहनी की सवारी आई, ना आई तो दुहाई इस्माइल जोगी नांगे बाबा की, दुहाई सबल सिंह बावरी की, दुहाई गुरु गोरखनाथ जी की, चले मंतर फुरे वाचा, देखो माता श्याम कौर मोहनी तेरे इलम का तमाशा। यह मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र की आपको कम से कम 5 माला जाप करनी है डेली। किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से आप इस मंत्र को शुरू कर सकते हो और जो मैं आपको पूजा बताऊंगा वो पहले आपने पूजा देनी है माता श्याम कौर की, फिर उसके बाद आप इस मंत्र का जाप करें। पहले गुरु मंत्र, रक्षा मंत्र, आसन जाप करें, फिर इस मंत्र का जाप करें, ठीक है दोस्तों? 21 दिन की ये साधना है, मात्र 21 दिन की। 21 दिन में आपने क्या करना है, या तो माता श्याम कौर के मंदिर में जाएं, अगर माता श्याम कौर का मंदिर ना हो तो किसी पिपल के पेड़ के नीचे या बेर के पेड़ के नीचे इसका भोग रख सकते हो। आपने क्या करना है, पहले आपने पिपल या बेर के पेड़ के नीचे थोड़ा सिंदूर डाल दे, पहले जल फिर सिंदूर डाल दे, 2 मीठे पान, 7 रंग की मिठाई, थोड़े से मीठे चावल, 7 पतासे, 7 लौंग, 7 इलायची और थोड़ा सा गिलासी में या उसमें जो मिट्टी का डोना आता है उसमें थोड़ा शरबत का भोग और 16 श्रृंगार माता का ये दे, ठीक है? ये पहले दिन और आखिरी दिन देना है, बीच में भी दे सकते हो आप शनिवार को इसको, ठीक है? और यह साधना आपको रात्रि 8 बजे शुरू करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, माता की चौकी सजाएं, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं, माता की फ़ोटो बिच रखें, माता की फ़ोटो के आके मीठे तेल का दीपक या देसी घी का दीपक भी जला सकते हो और माता को पुष्प अर्पित करें और 5 लौंग और 5 पतासे का भोग माता के आगे रखें और 2 मीठे पान का भोग रखे और माता को गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित करे और गुलाब का इत्र छिड़के, अपने वस्त्रों पर भी छिड़के, अपने और माता के ऊपर भी डाले। सफ़ेद कपड़े होने चाहिए,
और सफेद ही आसन होना चाहिए। और रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र की कम से कम 5 माला आपने जाप करनी है 21 दिनों तक। ठीक है दोस्तों, जब माता शाम कौर की सवारी आपके शरीर पे आ जाए तब आप अपने गुरु का आशीर्वाद लें और माता जी से अच्छे कार्य की, संसार का भला करने की, दुख सुख का दुख दूर करने की प्रार्थना करें। ठीक है दोस्तों। और हाँ, अब मैं एक बात और कहूँगा, अगर मेरे किसी भाई को अपने शरीर पर कोई भी सवारी लेनी है, माता श्याम कौर की या माता काली की या माता मदान वाली की या माता पाथरी वाली की या शबर सिंह बावरी की या केसर मल बावरी की या मान लो भैरव बाबा की, इनमें से किसी की भी सवारी लेनी है, तो आप मुझसे आके एक बार मिले। हर शनिवार को करनाल में गद्दी लगती है, आपको सवारी दी जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसे सवारी नहीं मिलती। सवारी लेने के लिए सबसे पहले आपके पास गुरु होना जरूरी है। गुरु बनाइए, किसी को भी बनाइए, मैं ये नहीं कहता मेरे को बनाइए, गुरु बनाइए, गुरु बनाकर सवारी लीजिए, फिर उसके बाद संसार का भला करें। ठीक है, लेकिन हाँ, ये ना सोचे भी सवारी एक ही दिन में आपके पर प्रकट हो जाएगी, एक ही दिन में हाजिर हो जाएगी, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। मैं आपको कुछ कलाम बताऊंगा, जिसकी भी सवारी लेनी है उसकी कलाम बताऊंगा, उस कलाम का आपको जाप करना पड़ेगा, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, तब 21 दिन में या 11 दिन में आपके पर सवारी आएगी, फिर उसके बाद आप संसार के कष्ट दूर करो, संसार का भला करो और गद्दी लगाओ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको गुरु दीक्षा लेनी है, गुरु दीक्षा लेकर आगे बढ़ना है, तो हर शनिवार को करनाल में गुरु दीक्षा दी जाती है, निःशुल्क, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं, कोई फीस नहीं। ठीक है दोस्तों। और हाँ, अगर आप अपने घर, मेरे पास अगर आप नहीं आ सकते तो आप अपने घर में बुलाना चाहते हो तो अपने घर में बुलाकर सवारी ले सकते हो और गुरु दीक्षा ले सकते हो। आपको सिर्फ हमारा गाड़ी का खर्चा देना पड़ेगा और हमारा कोई खर्चा, कोई पैसा, कोई फीस नहीं है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ आपको हमारा गाड़ी का खर्चा देना है। अगर आप मेरे पास नहीं आ सकते तो आप हमारे को गाड़ी का खर्चा दीजिए, आपको हम घर में बुला कर बैठ जाकर आपके घर में आकर आपको सवारी देंगे, गुरु दीक्षा देंगे। ठीक है, आपको सिर्फ हमारा गाड़ी का खर्चा देना है। अगर आप अपना इलाज करवाना चाहते हो तो इलाज करवाइए अपने घर में बुलवा कर या गद्दी पर आकर, आपको सिर्फ आना है और कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपकी कहीं भेंट पूजा निकलती है किसी मुर्गे की, किसी बकरे की, किसी मिंडे की, शराब की, मिठाई की, वो आपको खुद देनी पड़ेगी, उसके अलावा हमारा कोई खर्चा, कोई पैसा, कोई फीस नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आप भाइयों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि आप लोगों को हम नई नई जानकारी देते रहें और नई नई वीडियो अपलोड करते रहें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मैं एक बार और कहूँगा, अगर आप लोगों को हमारा यह चैनल अच्छा लगे, हमारी वीडियोस अच्छी लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाया करें। ठीक है दोस्तों, जय शमशान काली, जय शमशान काली, जय मरी, जय मशानी, जय सतगुरु श्री माली जी की जय।